तो दोस्तों आज लेके आए आपके लिए कंपैरिजन वीडियो दो स्मार्टफोन्स के बीच। दोनों स्मार्टफोन हमें 25,000 के सेगमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। एक जो स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से मिलता है, दूसरा स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से मिलता है। लुक्स की बात करें तो वीवो ग्लास बैक के साथ आता है, जबकि रियलमी वीगन लेदर बैक के साथ आता है। दोनों की इन हैंड फील बहुत अच्छी है और डिजाइन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन में फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही 10 बिट एचडीआर 10+ डिस्प्ले है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, लेकिन वीवो में 6.78 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि रियलमी में 6.7 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसी के साथ वीवो में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि रियलमी में 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो देखा जाए तो हमें वीवो में कंपैरेटिवली बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले मिल रहा है। तो डिस्प्ले तो दोनों स्मार्टफोन में बहुत अच्छा है, मगर वीवो ने सिंगल मोनो स्पीकर दिया है, जबकि रियलमी ने ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिया है, जिसकी वजह से आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस रियलमी में कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा। और दोनों ही स्मार्टफोन में वाइड ऑन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आप अपने फेवरेट OTT कंटेंट्स दोनों स्मार्टफोन्स में फुल एचडी में देख पाएंगे, वो भी HDR के साथ। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो वीवो तो लगभग सारे ऐप्स 120Hz पे चला लेता है, मगर रियलमी जो है ज्यादातर ऐप्स 120Hz पे नहीं चला पाता। परफॉर्मेंस की बात करें तो वीवो MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर है, जो कि 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जबकि रियलमी MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर है, जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसी के साथ दोनों ही स्मार्टफोन्स में LPDDR4X RAM है, मगर वीवो में UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि रियलमी में UFS 3.1 की स्टोरेज है। यहाँ पे रियलमी 11 प्रो का एंड्रॉइड स्कोर 5 लाख प्लस आता है, जबकि वीवो 22 प्रो का एंड्रॉइड स्कोर 7 लाख प्लस आता है। तो क्लियरली यहाँ पे वीवो की परफॉर्मेंस हमें कंपैरेटिवली रियलमी से काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो स्टोरेज स्पीड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रियलमी की स्कोर ज्यादा है, रियलमी UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि वीवो में UFS 2.2 की स्टोरेज है। वैसे डे टू डे टास्क आप दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात करें गेमिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन्स में BGMI आप मैक्सिमम 60 FPS पे खेल सकते हो, मगर अगर आपको लॉन्ग टाइम गेमिंग करनी है तो कंपैरेटिवली वीवो आपको ज्यादा अच्छी गेमिंग करा देगा। बैटरी की बात करें तो वीवो में 4600mAh की बैटरी मिलती है 66W चार्जिंग, जबकि रियलमी 5000mAh की बैटरी मिलती है 80W ब्रेक, और चार्जिंग यहाँ पे भी आपको 67W की मिलती है। और 5000mAh की बैटरी होने के बावजूद रियलमी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी चार्ज होता दिखेगा एज कम्पेयर टू वीवो, लेकिन रियलमी आपको काफी ज्यादा आइडल ड्रेन देखने के लिए मिलता है, लगभग 10-11% का, जबकि वीवो में ऐसा कोई आइडल ड्रेन नहीं है। OS की बात करें तो वीवो फ्रंट टच OS के साथ आता है, जबकि रियलमी अपने रियलमी UI के साथ आता है। दोनों ही एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है और दोनों स्मार्टफोन की UI में आपको बार बार के ब्लॉटवेयर भी मिलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन अपने खुद के डायलर के साथ आते हैं, तो दोनों में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, इसके अलावा भी आपको सारे सेंसर्स फोन में देखने के लिए मिल जाते हैं, और कनेक्टिविटी के मामले में आपको दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का स्लॉट मिलता है, तो स्टोरेज को आप दोनों स्मार्टफोन्स में एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसी के साथ दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। कैमरा की बात करें तो वीवो में 64MP का मेन कैमरा आता है, जबकि रियलमी में 100MP का मेन कैमरा मिलता है। दोनों ही OIS सेंसर है, प्लस दोनों में ही 2MP का डेप्थ सेंसर भी आता है। वीवो में नेचुरल लुकिंग फोटोज आते हैं, जबकि रियलमी में हल्के से कलर बूस्टेड फोटोज आते हैं, मगर कलर बूस्टेड होने के बावजूद यहाँ पर रियलमी की फोटो ज्यादा अच्छी आती है। रियलमी की डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा अच्छी आती है, जबकि वीवो में डायनेमिक रेंज इतनी कुछ खास नहीं है। ये जो फोटो है वीवो में 64MP ऑप्शन के साथ क्लिक की है, जबकि रियलमी में फोटो 100MP के साथ क्लिक की है, और ज्यादा MP होने की वजह से रियलमी की इमेज में आपको ज्यादा डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। वीवो कैमरे में मैक्सिमम 10x जूम का ऑप्शन मिलता है, जबकि रियलमी कैमरे में 20x जूम तक का ऑप्शन मिलता है। वीडियोग्राफी में दोनों स्मार्टफोन में मैक्सिमम 4K 30fps का ऑप्शन मिलता है। रियलमी में आपको डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स OIS के साथ आते हैं, मगर वीवो में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन्स में 16MP सेल्फी सेंसर मिलता है। रियलमी की इमेजेस थोड़ी सी नेचुरल लगती है, जबकि वीवो की इमेजेस हल्की सी सैचुरेटेड लगती है। और दोनों स्मार्टफोन्स में आप मैक्सिमम 1080p या 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और है दोस्तों, तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB रोम के साथ 24,000 के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो वीवो में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप वीवो T2 प्रो के साथ जा सकते हैं, और रियलमी में